नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज 31 दिसंबर 2022 है और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के दो मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों तेलंगाना में रखी है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो तेलंगाना की राजधानी है क्या? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में लागू किया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। अगला प्रश्न, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों असम में किया है, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ठीक। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? इसका सही उत्तर दोस्तों टिहरी में होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी? टिहरी में होगी। ये जो कयाकिंग कैनोइंग अकादमी है ये एक विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जिसका जो इस जिसकी स्थापना टिहरी में होनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने वाटन क्यूएक्स एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? इसका सही उत्तर दोस्तों आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में इस अवार्ड को जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? इसका सही उत्तर दोस्तों कहां पर हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ में की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो नया रायपुर है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अमेज़न के साथ में अभी इसकी साझेदारी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों महिमा स्वामी को अभी इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों केरल में आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। किस चीज़ का उद्घाटन? तो ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन, ठीक है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने इको पार्क का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर दोस्तों 8 इको पार्क का निर्माण किया गया है। किसका? 8 इको पार्क का, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, ये महिला में, महिला वर्ग में, और अर्शदीप पुरुष वर्ग में, ठीक है, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। यानी कि इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ही ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश के
प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइंस 20 यानी कि S20 के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है? इसका सही उत्तर दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इसराइल के छठी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये छठी बार वहाँ के क्या बने? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। कितनी बार? छठी बार। ठीक है, तो इसराइल देश के ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 जारी किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आरबीआई ने जारी किया है। किसने किया? तो आरबीआई ने जारी किया है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन किस वक्त तक विलुप्त हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सन 2100 तक ये विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना को। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा के लिए भारतीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य बना दिया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1 जनवरी 2023 से, यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद जितने भी मनरेगा के तरफ से जॉब के लिए जाते हैं, मनरेगा में जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका अटेंडेंस जो है भारतीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगा। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।